सो गाइस कैसे आप लोग, आज का इस वीडियो को गाइस आप लोगों को बताऊंगा कि बैंक निफ्टी मंडे कहां पर जा सकता है, कौन सा लेवल में आपको बाय करना पड़ेगा, कौन सा लेवल में आपको सेल करना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताऊंगा। अगर गाइस आप लोग एकदम ही बिगिनर्स है, ऑप्शन ट्रेडिंग आप लोग बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखना चाहता है, तो आप लोगों को मैं बताऊंगा कि गाइस जरूर आप लोग मेरा चैनल को फॉलो कीजिए अच्छी तरह से। उसके साथ साथ गाइस चाहे तो आप लोग मेरा कोर्स भी खरीद सकता है। मेरा कोर्स का जो प्राइस चल रहा है अभी करंटली 1099 में आपको मिल जाएगा, जहां पर आपको कंप्लीटली प्राइस एक्शन के ऊपर आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है ना। और ट्रेनिंग ये जो आपको दिया जाएगा गाइज, ये आपको 1-to-1 बेस में दिया जाएगा गाइज। जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए कि 20% मेरा कोर्स में एनरोल किया, तो वहां पर मैं 1-to-1 बेसिस में, मैं पर डे बेसिस में मैं वो लोग को प्रोवाइड करूंगा। सारे कुछ डिटेल्स वहां पर मैं दे दूंगा, प्रोवाइड करूंगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो आप लोग ज्वाइन हो सकता है, उसके बाद आप लोगों को मैं बता दूंगा। और मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है, मैं आपका मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है गाइज, वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मिल जाएगा, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके आप लोग वहां पर मेरा व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरे को पिंग कर सकता है। और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, तो आप लोग चाहे तो मेरा जो फ्री जो टेलीग्राम ग्रुप है, आप लोग को टेलीग्राम अगर इंस्टॉल नहीं है तो सबसे पहले इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद टेलीग्राम में जाके सर्च कीजिए BNF ट्रेडर लाइन। क्या सर्च करेंगे? BNF ट्रेडर लाइन, ठीक है। हो सके कि थोड़ा बहुत आपका फेक भी मिल जाए आपको, लेकिन आपको ये सर्च करना है, ठीक है। ये पर काफी सारा आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वो सब फॉलो नहीं करना है, क्योंकि मैं जो आपको बहुत सारा ऐसा बैंक निफ्टी का टिप्स वगैरह देखने को मिलेगा, लेकिन मैं जिस तरह का आपको फिर टेलीग्राम में आपको सपोर्ट प्रोवाइड करूंगा, वो कोई भी, मैं दावा के साथ बोल सकता हूँ कि कोई भी आपको ऐसा सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करेगा। क्योंकि यहाँ पर मैं क्या हूँ ना, यहाँ पर मैं आप लोग को दोस्त के तरह काम करता हूँ, मेंबर के तरह काम करता हूँ, ट्रीट करता हूँ। मैं खुद ज्यादा कोई बड़ा मैं खुद को नहीं सोचता हूँ, मैं पूरा का पूरा मेंबर के तरह ट्रीट करता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर जैसे लेवल प्रोवाइड करता हूँ ना भाई, आपको मतलब पैसा 2-3 गुना हो सकता है। यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर लेवल प्रोवाइड किया था आपको, ध्यान से दिखा रहा हूँ, मैं फ्राइडे को जो लेवल दिया था वो प्रोवाइड किया था भाई, काफी शानदार यहाँ पर आपको रिटर्न देखने को मिला है। देखिए मैं मंडे के लिए भी यहाँ पर दे दिया हूँ, मतलब पूरा सिखाने का मोटिव में आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर पैटर्न भी दे दिया, राइजिंग वेव्स। देखिए सेप्टेम्बर 9 में मैं क्या किया था, यहाँ पर कॉल्स प्रोवाइड किया था, ध्यान से देखिए। ये वाला देखिए गाइस, सितंबर 9 आ रहा है, ये देखिए सितंबर 9 की कहां पर आ रहा है, स्टार्ट हो रहा है, ध्यान से सुनिए। ये देखिए, देखिए सितंबर 9 क्या लिखा मैं, गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, ह्यूज गैप अप ओपनिंग। इसके बाद क्या लिखा मैंने, 40,800 सीई बाय अबव 287 एसएलबी दे दिया मैंने 250, जो आपको मैं मतलब फ्री बहुत सारे आपको कॉल्स एक टेलीग्राम चैनल जिनमें देखने को मिलेगा, जहां पर आपको लिखा रहता है वहां पर एसएल क्या देता है, वो लोग प्रीमियम में देता है, लेकिन मैं यहां पर एसएलबी आपको पूरा के पूरा मेरा फ्री ग्रुप में आपको प्रोवाइड करता हूं, और टारगेट भी यहां पर देता हूं, सारे कुछ डिटेल्स यहां पर आपको देता हूं, ठीक है ना। तो देरी किस बात की है गाइस, तुरंत आके गाइस ये बीएनएफ ट्रेडर लाइन चैनल को गाइस ज्वाइन कर लीजिए और फायदा उठाइए, ठीक है ना। कम से कम आपको जो स्टार्टिंग कैपिटल लगने वाला है गाइस, सिर्फ अगर ज्यादा भी कैपिटल नहीं है ऑनली गाइस 2500 रुपीज से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके लिए गाइस सिर्फ और सिर्फ आपको जो ट्रेडिंग करना है गाइस, वो करना है एक्सपायर के दिन, वहां पर थोड़ा बहुत जैकपॉट कॉल भी यहां पर मैं प्रोवाइड करता हूं। तो यहां पर देखिए 40,800 सी कहां गया है, 250 में, यहां पर 287 में, इधर 294 में गया था। उसके बाद गाइस यहां पर देखिए सीएमपी अभी 316 चल रहा है। उसके बाद क्या लिखा मैंने, बुक योर प्रॉफिट विद स्मॉल एंड रिस्की कैन डू एसएल ट्रेल, स्टॉप लॉस ट्रेल करना भी आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो मेरे को बताइए, मैं दिखा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए क्या लिखा मैंने, यहाँ पर लिखा कि 40,450 लेवल जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, इफ ब्रेक एंड सस्टेन बिलो इट फॉर नेक्स्ट 5-10 मिनट देन मोर डाउन मूव पॉसिबल। मतलब लेवल भी आपका अपडेट कर दिया अच्छी तरह से, आप समझ रहे हैं, मतलब ये पेड बुक में भी हो सके आपको नहीं मिले, तो इतना अच्छा है यहाँ पर 326। उसके बाद देखिए प्राइस कहाँ पर गया, ध्यान से देखिएगा, 326 में प्राइस चला गया, मतलब मैं जो कॉल प्रोवाइड किया था 270-280 के आसपास दिया था, वो 326 चला गया। देखिए अभी मतलब आपको हो सके कि आपको लगेगा कि भाई ये जो दे रहा है भाई गड़बड़ दे रहा है, ये बोल रहा है वो दूसरा जगह में चला जाए, इसीलिए मैं स्क्रीनशॉट भी आपको दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छी तरह से ट्रस्ट हो। तो इसके बाद देखिए 328 में चला गया, 40,800 सी, ठीक है ना। इसके बाद क्या लिखा मैंने, देखिए बैंक निफ्टी इन्फॉर्मेशन ऑफ हायर हाई। तो देखिए यहाँ पर मैं इवन आपको सिखा भी रहा हूँ, यहाँ पर आप सोच रहे, सोच के भी हैरान हो जाएगी कि यहाँ पर मैं कितना अच्छा तरीके से अब तरह के मतलब वे से आपको देने का प्रोवाइड कर रहा हूँ। मेरे को नहीं लग रहा कि ऐसा कोई आपको पेड चैनल भी देगा, ठीक है ना, वो सिर्फ आपको कॉल्स प्रोवाइड करते रहेगा, आपका पैसा को बर्बाद करेगा। मैं आपको यहाँ पर सीखा भी मतलब सिखाने की भी कोशिश करता हूँ, तो पूरा कंप्लीटली सीखना है गाइस प्राइस एक्शन, तो मेरे साथ कॉन्टैक्ट कीजिए, व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट कीजिए, व्हाट्सएप का नंबर आपको मिल जाएगा वहाँ पर देखिए, और टेलीग्राम में मेरे को मैसेज कर सकता है, ठीक है। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर मैं ए भी दे दिया कि बैंक निफ्टी इन्फॉर्मेशन ऑफ हायर हाई, तो हायर हाई के फॉर्मेशन में देखिए यहाँ पर देखिए क्या आया कि यहाँ पर हाई बनाया, उसके बाद हायर लो बना दिया, उसके बाद फिर हायर हाई बना दिया, उसके बाद अभी नीचे यहाँ पर जा रहा है। तो उसके बाद देखिए मैं क्या लिखा यहाँ पर, देखिए क्या लिखा मैंने, एज पर माई एनालिसिस आफ्टर हायर हाई बींग मेड बीएनएफ शुड कंसोलिडेट टू फर्दर मूव, फर्दर मूव के लिए थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करना चाहिए। तो दोज हु आर नॉट स्टिल एंटर्ड विल एंटर्ड वंस 40,685 लेवल ब्रेकआउट, टिल देन वेट टू ऑब्जर्व। तो उतना टाइम तक अगर मतलब कोई इंटर नहीं किया तो उसको वेट करना चाहिए,
ये लेवल जैसे क्रॉस होता है तो उसको सो गाइस सबसे पहले यहाँ पर सो ध्यान से देखिए गाइस, सबसे पहले क्या है कि हम लोग को देखना पड़ेगा मंडी का जो यहाँ पर कहाँ पर जा सकते हैं, उसके लिए थोड़ा बहुत यहाँ पर हम लोग चार्ट पैटर्न ड्रॉ कर लेते हैं। ये वाला देखिए, ये यहाँ से ये इंडिकेटिंग कर रहा है कि ये एक डाउनफॉल का इंडिकेटिंग कर रहा है, लेकिन हम लोग को डाउन साइड में एंट्री तभी लेना है जब ये जो लेवल है, अभी देखिए ये जो जगह है ये थोड़ा कंसोलिडेट जगह है। अगर मान लीजिए कि मंडे गैप डाउन ओपन होता है तो आपको मतलब डायरेक्टली पी में एंटर नहीं करना है, इसीलिए नहीं करना है क्योंकि 40,000 का मान लीजिए 40,415 में है, मान लीजिए मंडे गैप डाउन ओपनिंग हो गया और ओपनिंग हो गया 40,100 के आसपास, तो उसके बाद आपको संग आपको पी में एंट्री नहीं लेना है क्योंकि काफ़ी सारा बंदा बंदी क्या करता है, जैसे गैप डाउन होता है गैप डाउन देख के पी में एंट्री लेता है और गैप अप होता है तो सी में एंट्री ले देता है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है, सबसे पहले थोड़ा बहुत आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि मार्केट क्या वहाँ पर उस लेवल में सस्टेन कर रहा है। अगर सस्टेन नहीं कर रहा है डायरेक्ट नीचे गिरा तो एग्रेसिवली नीचे ही चला जाता है, ठीक है ना। अगर सस्टेन कर लेता है तो वहाँ पर कहना मतलब कहीं ना कहीं क्या है इंडिकेटिंग कर रहा है कि वो मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 40,100 का जो लेवल है भाई वो एकदम साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है। ये आपको देखना पड़ेगा, ये जो है साइकोलॉजी का लेवल है, तो आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर कॉन्सेंट करा है। मान लीजिए कि मार्केट गैप अप ओपन हो गया, 300-400 पॉइंट का गैप अप ओपन हो गया और मान लीजिए मार्केट जो है 40,600 के आसपास ओपन हो गया, तो वहां पर भी फिर आपको तुरंत एंट्री नहीं लेना, आपको थोड़ा बहुत ऑब्जर्व करा है, देखना है आपको कि मार्केट क्या, मार्केट जो है वाकई क्या है यहाँ पर। ये वाला जो लेवल है यानी आपको मैं दिखाना चाहता हूँ 40,700 के ऊपर क्या मार्केट सस्टेन कर रहा है। मान लीजिए मार्केट 40,700 के ऊपर 5 मिनट भी सस्टेन कर गया भाई और अच्छी सी ग्रीन कैंडल से सस्टेन कर गया ना, तो वहां पर आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है 40,850 से 900, थोड़ा बहुत नोट कर लिए, 40,850 से 900 तक आपको मूव देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको अगर नीचे वाला जो साइड है, नीचे वाला साइड में 40,000 आपको यहाँ पर 300 के नीचे अगर 5 से 10 मिनट तक सस्टेन कर गया तो आपको यहाँ पर 40,000 तक मूवमेंट देखने को मिलेगा अगर ये मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है। मान लीजिए गैप अप ओपनिंग भी नहीं हुआ, बड़ा गैप डाउन भी ओपनिंग नहीं हुआ, सिर्फ फ्लैट ओपनिंग हो गया, तो फ्लैट ओपनिंग में आप लोग एंट्री ले सकता है। यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, देख के आप एंट्री ले सकता है, देखना पड़ेगा आपको क्या मार्केट 5 मिनट से 10 मिनट के नीचे में 40,300 के नीचे में सस्टेन कर रहा है, तो अगर नीचे में सस्टेन करेगा तो वो हो सके कि 40,100 के आसपास आ जाए या 40,000 के आसपास आ जाए, लेकिन वहां से फिर एक बार पुल बैक आपको जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। और ऊपर में अगर देखा जाए तो 40,700 का जो पीओसी लेवल है उसको कवर करना चाहिए, उसको मतलब ब्रेक करना चाहिए 40,700 लेवल को ब्रेक, क्योंकि वहां पर ही पिछले दिन लास्ट फ्राइडे यहां से ही गाइस देख आप लोग देख पा रहे हैं, यहां से ही गाइस क्या हुआ था, यहां से ही मतलब पुल बैक आया था, बाउंस बैक यहाँ से ही आया था गाइस, देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर सेलर लोग काफी स्ट्रांग है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा गाइस, तो अदरवाइज आप पूरा प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो अगर गैप आप बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा गैप आप हो जाता है, उसके बाद मेरे को नहीं लगता है कि मार्केट और भी ऊपर जाने सकता है, तो वहां पर आप एक शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं, यानी पीक पोजिशन आप ले सकते हैं, 40,000 के आसपास एक पी आप खरीद सकता है, ठीक है। तो अगर आप लोग को पी सी में एंटर करना है, कौन सा जगह में आपको एंटर करना है मैं बताना चाहता हूँ। मान लीजिए कि वीक गैप आप ओपन हो गया तो आप चाहे तो वहां पर आप एक पी खरीद सकता है, ठीक है ना। पी का मूवमेंट आपको वहां पर देखने को मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्योंकि देखिए पी गैप अप ओपन हो जाएगा तो पुट राइटर यानी जो लोग पुट सेल करके बैठा है वो लोग को तो भाई प्रॉफिट हो रहा है, तो वो लोग क्या करेगा, प्रॉफिट बुकिंग करेगा। तो वो लोग जब प्रॉफिट बुकिंग करेगा तो क्या होगा, प्रॉफिट जब बुकिंग करने जाएगा तो तब वो जो पी को जो सेल किया तो सेल से बाद क्या करेगा, बाय में पंच मारेगा और आप लोग भी बाय कर रहे हैं तो क्या होगा, एक बड़ा एक रेड कैंडल बनेगा, उसके बाद एक आपको फास्ट मूवमेंट देखने को मिलेगा, इसीलिए उस टाइम मार्केट गिर सकता है। उसी टाइम अगर आप लोग एक इन द मनी का पी लेके बैठेंगे तो आपको वहां पर एक फास्ट मूवमेंट देखने को मिलेगा, आप लोगों को मेरे पास समझ में आ रहा है। और अगर मान लीजिए गैप डाउन ओपन हो गया, मान लीजिए गैप डाउन ओपन में आपको दिखा रहा है यहाँ पर कितना दिखा रहा है, यहाँ पर मान लीजिए आपको दिखा रहा है गैप डाउन, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ गैप अप गैप डाउन, ये लगभग आपको 300 से 400 पॉइंट के आसपास अगर गैप अप गैप डाउन ओपनिंग होगा तो इस ट्रिक आप इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। मान लीजिए 400 पॉइंट का गैप डाउन ओपनिंग हो गया तो आप वहां पर थोड़ा बहुत वेट करके आप एक सी ले सकते हैं, क्योंकि वहां से मार्केट बाउंस कर सकता है, क्योंकि 40,000 का जो पीएसआई लेवल है काफी स्ट्रांग है, मतलब गैप डाउन मतलब 40,000 के नीचे ओपन नहीं होना चाहिए, अगर हो गया थोड़ा बहुत देखना, क्योंकि वहां से हो सके और भी नीचे तेजी से आ जाए, ठीक है। तो 40,100 के आसपास अगर होता तो भाई 40,000 का सी लेके आपको बैठना है, क्योंकि वहां पर आपको अच्छा खासा मूवमेंट देखने को बाद में मिलेगा, ठीक है, क्योंकि 40,000 का पीएसआई लेवल काफी स्ट्रांग है, वहां पर पुट राइटर बहुत अच्छा खासा है वहां पर, ठीक है। तो ये आज का एनालिसिस है, होप है कि गाइस आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया है। मिलते हैं आप लोगों के साथ कोई नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।